नीट की परीक्षा से पहले हुए ये बदलाव, आवेदन करने से पहले इन बातों का रखे ख्याल। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जो भी बच्चे 12वीं के बाद मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें नीट की परीक्षा पास करना जरूरी है। भारत में आप बिना नीट की परीक्षा पास किए आप डॉक्टर नहीं बन सकते। मेडिकल की पढ़ाई के लिए ली जाने वाली नीट की परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा आयोजित की जाती है। अब इसी कड़ी में मेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा शुरू की जा चुकी है। नीट UG के आवेदन फॉर्म के साथ साथ अन्य इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी जारी किए जा चुके हैं। जो भी उम्मीदवार इस नीट की परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक है, इसका आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.online.in है। आपको बता दें कि इससे पहले नीट UG की परीक्षा के लिए आवेदन neet.nta.nic.in पर किया जाता था, लेकिन इस बार इसमें बदलाव किया गया है, इसलिए परीक्षार्थी यह आवेदन अब neet.nta.online.in पर ही करेंगे। साथ ही इन्फॉर्मेशन ब्राउजर, सिलेबस, कई बार पूछे जाने वाले सवालों के उत्तर और योग्यता आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न पर अन्य विवरण नीट UG की आधिकारिक वेबसाइट ने अपलोड किए हैं। बता दें कि इससे पहले जब परीक्षा हुई थी तो उस दौरान देश भर के कुल 499 शहरों में परीक्षा आयोजित हुई थी, लेकिन इस बार इसकी संख्या 554 कर दी गई है। जो भी उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें नीट UG 2024 की परीक्षा के लिए अपने हिसाब से 4 शहरों का चुनाव करना होगा। वहीं बात करें इस आवेदन के लिए उम्मीदवारों से लिए जाने वाले आवेदन शुल्क के बारे में, तो बता दें कि जो भी उम्मीदवार अपना संबंध जनरल या NRI से रखते हैं, उन्हें इस आवेदन के लिए 1700 रुपए देने होंगे। वहीं जो उम्मीदवार अपना संबंध EWS, OBC, NCL से रखते हैं, उन्हें इस आवेदन के लिए 1600 रुपए देने होंगे। इसके अलावा SC ST या PWD उम्मीदवार और थर्ड जेंडर से इस आवेदन के लिए 1000 रुपए लिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए केवल वही बच्चे आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है और 12वीं में उनका विषय अंग्रेजी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी रह चुका है, क्योंकि नीट की परीक्षा भी इन्हीं साइंस के विषयों पर आधारित रहने वाली है। हालांकि परीक्षा में प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी विषयों से पूछे जाएंगे। इसमें सभी विषय से 2 सेक्शन होंगे। फिजिक्स के सेक्शन ए में 35 प्रश्न होंगे जो 140 नंबर के रहने वाले हैं। वहीं सेक्शन बी में 40 नंबर के 15 प्रश्न रहने वाले हैं। बात करें केमिस्ट्री की, तो यहाँ पहले सेक्शन में 35 प्रश्न 140 अंक के होंगे और दूसरे सेक्शन में 15 प्रश्न 40 अंक के होंगे। बात करें बॉटनी की, तो यहाँ पहले सेक्शन में 35 प्रश्न 140 अंक के होंगे और दूसरे सेक्शन में 15 प्रश्न 40 अंक के होंगे। जूलॉजी में भी यही रहने वाला है, यहाँ भी पहले सेक्शन में 35 प्रश्न 140 अंक के रहेंगे और दूसरे सेक्शन में मौजूद 15 प्रश्न 40 अंक के रहने वाले हैं। यानी कि परीक्षा पहले की ही तरह कुल 720 नंबर की आयोजित होगी। सभी प्रश्न MCQ टाइप के ही होंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए जो प्रश्न समझ नहीं आ रहा उसे वैसे ही छोड़ दे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आप भी नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।